ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी बताने वाला हूँ जो स्टोरी मतलब वन ऑफ द टीचर लाइक एक टीचर्स की मेरे पास कॉल आई और वो बोलते हैं उन्होंने वो स्टोरी मुझे शेयर की है और मैं जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि वो जब टीचर अपनी क्लास में जाते हैं तो वन ऑफ द ग्लास लाइक ग्लास उनके हाथ में होता है पानी का और वो ग्लास लेकर क्लास में चले जाते हैं और वो पढ़ाना जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप ग्लास को टेबल पर रख दीजिए। तभी वो टीचर उनसे पूछते हैं कि आप पहले मुझे एक जवाब दीजिए तब ग्लास को टेबल पर रखूँगा। तब वो टीचर्स बोलते हैं कि आप मुझे बताइए इस ग्लास का वेट कितना है। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग अपने जवाब देते हैं। कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि लाइक 100 ग्राम्स का है, कोई बोलता है 150 ग्राम्स है, कोई बोलता है 200 ग्राम्स है। तो जब इतना कहने पर बच्चों के एक टीचर्स दोबारा से मतलब उनसे बोलते हैं कि अगर इस ग्लास को मैं 10 मिनट तक होल्ड अपने हाथ में अगर करता हूँ तो क्या होगा। तो वहाँ पर स्टूडेंट सिंपल सा आंसर देते हैं कि सर कुछ भी नहीं होगा, आप होल्ड आसानी से कर सकते हैं इसे 10 मिनट के लिए। टीचर्स दोबारा से उनसे बोलते हैं कि अगर इसी ग्लास को मैं 2 घंटे के लिए होल्ड करूँ तब क्या होगा। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के जवाब आते हैं कि सर थोड़ा बहुत पेन हो सकता है हाथ में अगर आप 2 घंटे तक इसे होल्ड करेंगे तब। एंड टाइम पूछते हैं वो टीचर्स कि लाइक अगर इस ग्लास को मैं हॉल डे के लिए होल्ड करके रखूँ तब क्या होगा। तब वहाँ पर स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर्स आते हैं और स्टूडेंट्स बोलते हैं लाइक कि आपके हाथ में मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बोलते हैं कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होगी और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं लाइक आपका हैंड जो हाथ है वो पैरालाइज हो सकता है। जब ऐसा आंसर जब उनका स्टूडेंट्स का आता है तो टीचर वहाँ पर जवाब देते हैं कि इसी तरीके से हमारी लाइफ में होता है कि जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, जो निगेटिव बातें होती हैं, जो गलत लोगों से हमें मिलती हैं या गलत लोग हमारे बारे में सोचते हैं, अगर उस चीज़ को हम थोड़ी समय के लिए रखें तब तो ठीक है, लेकिन उसे अगर लॉन्ग टाइम के लिए लाइक हॉलडे या फिर एक कंटिन्यूसली हम रख लेते हैं गलत बातों को माइंड में तो वहाँ पर दिमाग ज़्यादा मतलब आपका अपसेट रहने के चांसेस ज़्यादा होगा, आप मेंटली मतलब अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं रहेंगे। तो गलत बातों से हमेशा बच के रहना चाहिए। हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है।